प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्काई एजुकेट चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्काई एजुकेट चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम ईशावास्य उपनिषद पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेदीय शाखा के अंतर्गत एक प्रसिद्ध उपनिषद है। यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईशावास्य उपनिषद के रूप में प्रसिद्ध है। ईशावास्यमिदं सर्वम इस प्रकार प्रथम मंत्र होने के कारण इसे ईशावास्योपनिषद कहा जाता है। यजुर्वेद की कांडव संहिता के अनुसार ईशावास्योपनिषद में 18 मंत्र हैं तथा वाजसनेयी संहिता के अनुसार 17 मंत्र हैं। दोस्तों, उपनिषदों की परंपरा के अंतर्गत ईशावास्योपनिषद अपना प्रथम स्थान रखता है। इस उपनिषद में ईश्वर के गुणों का वर्णन है, अधर्म त्याग का उपदेश है, सभी कालों में सत्कर्मों को करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। परमेश्वर के अति सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन इस उपनिषद में किया गया है। सभी प्राणियों में आत्मा को परमात्मा का अंश जानकर अहिंसा की शिक्षा दी गई है। इस उपनिषद में ईश्वर के सर्वनिर्माता होने की बात कही गई है, संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक को इंगित किया गया है। साथ ही सात्विक जीवन शैली की बात कही गई है तथा दूसरे के धन पर दृष्टि मत डालो इस प्रकार संदेश दिया गया है। तो आइए दोस्तों, ईशावास्य उपनिषद में वर्णित 18 श्लोक और उनका संक्षेप में अर्थ समझते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेना त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्वीधनम्। अर्थात जगत में जो कुछ भी स्थावर जंगम संसार है वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है, सब कुछ ईश्वरमय है। यहाँ जो कुछ भी है सब ईश्वर से ओतप्रोत है, अतः उस समस्त संसार को त्याग भाव से तू अपना पालन कर, त्याग भाव से उसका भोग कर, किसी के धन की इच्छा मत कर। कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीवेच्छतम समाहा एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरः। अर्थात इस लोक में जो देव विहित कर्म है उन कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। ऐसे जो कर्म है वो मनुष्य को कभी भी लिप्त नहीं करते और इसके अतिरिक्त मनुष्य के कल्याण का और कोई मार्ग नहीं है। अर्थात कर्म के अतिरिक्त मनुष्य के उत्तम जीवन के लिए और कोई मार्ग नहीं है। असूया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। अर्थात असुर संबंधी जितने भी अज्ञान अंधकार से युक्त लोक हैं, योनियां हैं, वे सभी अज्ञान से आच्छादित हैं। कोई भी जो आत्महंता जन है या आत्मा को मार करके जीने वाले व्यक्ति हैं, उन्हें मरने के बाद उन्हीं अज्ञान और अंधकार से युक्त लोकों की प्राप्ति होती है। अनेज देकम मनसो जवीयो नेन देवा आपनुवन पूर्वमर्षद तद्धावतो नान्यत्येति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। अर्थात वह आत्मतत्व अपने स्वरूप से विचलित होने वाला एक और मन से भी अधिक तीव्र गति वाला है, इसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकती। वह उन सबसे पहले गया हुआ है और उन सबसे स्थिर भी है। अर्थात वो गतिशील भी है, वो स्थिर भी है, वो इंद्रियों के द्वारा प्राप्य नहीं है, फिर भी सब इंद्रियों तक पहुंचा हुआ है। उसके रहते हुए ही समस्त वायु प्राणियों की प्रकृति रूप कर्मों का विभाग करता है। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्यास्य बाह्यतः। अर्थात वह अमर तत्व चलता है और नहीं भी चलता, वह दूर है और समीप भी है, वह सबके अंतर्गत है किंतु वह सबके बाह्य भी है। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मने वानुपश्यन्ति सर्वभूतेषु चात्मनम् ततो न विजुगुप्सते। अर्थात जो संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है और संपूर्ण भूतों में भी आत्मा को ही देखता है, इससे कारण किसी से भी घृणा नहीं करता। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो सभी में स्वयं के जैसे आत्मतत्व को देखता है और सभी को अपने समान समझता है, वो व्यक्ति कभी भी किसी दूसरे मनुष्य से घृणा नहीं करता।
यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्ममेव भूद्विजानत तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः। अर्थात जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए सब भूत आत्मा ही हो गए, उस समय एकत्व देखने वाले को क्या शोक क्या मोह हो सकता है। अर्थात जिस मनुष्य ने ये समानता देख ली है कि जो मैं हूँ वो ही संसार के सभी लोग हैं और जो संसार के सभी लोग हैं उन्हीं की तरह आत्मतत्व मुझ में भी मौजूद है, उस व्यक्ति के लिए न कोई शोक है, न कोई दुख है, न कोई मोह है। स पर्यगाच्छुक्रमकायं व्रण मस्ना विरशुद्धं पापं विरुद्धं कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभुर्यथा तथ्यो अर्थान व्यदद्धाच्छाश्वतीभ्य समाभ्यः। अर्थात वह आत्मा सर्वगत शुद्ध अशरीरी अक्षत स्नायु से रहित निर्मल सर्वदृष्टा और स्वयंभू है। उसी ने नित्य सिद्ध संवत्सर नामक प्रजापतियों के लिए यथा योग्य रीति से अर्थों का विभाग किया है। अभिप्राय यह है कि यहाँ पर परमात्मा सत्य स्वरूप है और स्वयंभू है। उसने सभी पदार्थों को उत्पन्न किया है लेकिन वह स्वयं किसी से उत्पन्न नहीं है, इसलिए वह स्वयंभू है। उसे कोई मार नहीं सकता, इसलिए वो अक्षत है। उसमें किसी भी प्रकार के संरचनात्मक तंत्र नहीं है उसके शरीर में, स्नायु से रहित है इसलिए वो स्नायु रहित है। उसमें किसी भी प्रकार का मल नहीं है इसलिए वो निर्मल है। वो स्वयं को देख सकता है किंतु उसे कोई नहीं देख सकता, इसलिए वो सर्वदृष्टा है। तो ऐसे जो ईश्वर हैं उन्होंने सभी पदार्थ हमारे लिए उत्पन्न किए हैं जिनकी मनुष्य को आवश्यकता है। अंधन तमः प्रविशन्ति ये विद्या मुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः। अर्थात जो अविद्या की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं और जो केवल विद्या में ही रहते हैं वो मानव उससे भी अधिक अंधकार लोक में प्रवेश करते हैं। अन्य देवाहुर विद्यया अन्य दाहुर विद्यया इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे। अर्थात विद्या से और ही फल बतलाया गया है तथा अविद्या से और ही फल बतलाया गया है, ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उनकी व्यवस्था की है। विद्याम च विद्याम च यस्तद्वेदोभ्य सह अविद्यामृत्वं तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते। अर्थात जो मनुष्य विद्या और अविद्या दोनों के ज्ञान और कर्म के महत्व को समझ लेता है वह अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करके विद्या के द्वारा अमृत रूपी संसार को प्राप्त होता है। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूति उपासते ततो भूय इव ते तमो उय संभूत्या रताः। अर्थात जो मनुष्य नश्वर देव पितृ मानव आदि की उपासना करते हैं अर्थात असंभूति की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं और जो केवल अविनाशी परमात्मा में रत रहते हैं वो और अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। अर्थात जो देव पित्रादि को पूजते हैं वो तो अंधकार में प्रवेश करते ही हैं और जो केवल अविनाशी या निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं और देव पित्र मानव की उपेक्षा करते हैं वो और भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। अन्य देवाहुः संभवादन्यामाहु संभवात् इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे। व्यक्त की उपासना से और ही फल है तथा अव्यक्त की उपासना से और ही फल है, ऐसा हमने बुद्धिमानों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उनकी व्याख्या की है। संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेदोभ्य सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या अमृतम अश्नुते। अर्थात जो असंभूति और कार्य ब्रह्म इन दोनों को साथ साथ जानता है वह कार्य ब्रह्म की उपासना से मृत्यु को पार करता है तथा असंभूति के द्वारा अमरत्व या मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हे सत्य स्वरूप परमात्मा आपका मुख ज्योतिर्मय स्वर्णिम पात्र से ढका हुआ है। हे पूषन
मुझ सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तू अपने इस मुख को उघाड़ दे, या ये स्वर्णमय आभा का जो जाल है इसे हटा दीजिए और अपने दर्शन दीजिए। पूषण्ये कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याण तमम तत्ते पश्यामि सो साव सो पुरुषः सो हमस्मि। अर्थात सूर्य मंडल परमात्मा के दर्शन करने पर ऋषि कहते हैं कि एकमात्र ज्ञान स्वरूप प्रभु आप सभी के नियंता हैं, अपनी इन किरणों का संग्रह करके आप स्वयं में समेट लीजिए, इन किरणों का उग्र तेज हमें परेशान न करे। हे स्व परमानंदमय स्वरूप आप हमें प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दीजिए, इस समय जब मैं ध्यान अवस्था में बैठा हूँ तो आपका सच्चिदानंद स्वरूप को देखता हूँ, बुद्धि से समझता हूँ। इस सूर्य में जिस प्रकार आत्मा है उसी प्रकार मुझ में भी हे परमपिता आप ही की आत्मा है। अर्थात यह जो आदित्य मंडल स्थल पुरुष है वही मैं हूँ, जो आत्मा इस सूर्य में है वही मुझ में भी है। वायु रनिलमृतम थेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतोस्मर कृतम स्मर कृतोस्मर कृतम स्मर। अर्थात अब मेरा प्राण सर्वोत्तम वायु रूप शुद्ध आत्मा को प्राप्त हो और यह शरीर भस्म शेष हो जाए, मेरे संकल्पात्मक मन अब तू शरण कर, अपने किए हुए को स्मरण कर, अब तू स्मरण कर, देख अपने किए हुए को स्मरण कर। अग्ने नय सुपथाराए अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिम विधेमा। अर्थात हे अग्ने हमें कर्म फल भोग के लिए सन्मार्ग पर ले चल, हे देव तू समस्त ज्ञान और कर्मों को जानने वाला है, हमारे पाखंड पूर्ण कर्मों को पापों को नष्ट कर, हम तेरे लिए अनेक नमस्कार करते हैं। दोस्तों इस प्रकार ईशावास्योपनिषद के 18 मंत्र और उनका अर्थ संक्षेप में हमने समझा।